मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि यूके स्टूडेंट वीज़ा का जो प्रोसीजर है जनवरी इनटेक से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और साथ साथ में डिपेंडेंट लाना भी अलाउड नहीं होगा, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि आप सेप्टेम्बर इनटेक को पकड़ें। लेकिन जो सबसे बड़ी हर्डल होती है किसी भी इनटेक को लेके, वीज़ा को लेके, वो होती है कैश। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुंजन तरियाल एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके कैश से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगी, और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो यू कैन आस्क इन कॉमेंट बॉक्स, आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट। किसी किसी यूनिवर्सिटी में प्री कैश का प्रोसीजर भी होता है कि पहले प्री कैश होगा, फिर ऑफर लेटर होगा, फिर उसके बाद में आपका कैश आएगा, कैश के बाद में देन आपका वीजा आता है, फीस उसके बीच में कहीं ना कहीं होती है। जो प्री कैश का इंटरव्यू होता है वो बहुत ही छोटा होता है, लाइक आई थिंक 10 मिनट्स या 15 मिनट्स एक कॉल पे इंटरव्यू टाइप में होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी प्रिपरेशन भी कैश की तरह ही करें, क्योंकि जो कैश की प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो वो आगे जाके आपको कैश के इंटरव्यू में काम आने वाली है, बट ये जरूरी है कि आप प्रॉपरली प्रिपरेशन करके रखें। कैश का जो इंटरव्यू होता है वो बहुत टफ नहीं होता, एक सिंपल सा इंटरव्यू होता है, बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो आपका यहाँ पे नॉलेज चेक नहीं करते, आपका इंटरेस्ट चेक करते हैं, आपकी अवेयरनेस चेक करते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो और आपको उसके मॉड्यूल्स के बारे में नहीं पता, उसकी लोकेशन के बारे में नहीं पता, तो फिर ये शो होता है कि आप सिर्फ यूके में एंट्री लेना चाहते हो, ये किसी भी तरीके का लाइक आपका स्टडी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी है वो है नॉलेज आपको जो गैदर करनी है, आपको अपने बारे में नॉलेज गैदर करनी है, यूके के बारे में करनी है, कोर्स के बारे में करनी है, यूनिवर्सिटी के बारे में करनी है और प्रोसीजर के बारे में करनी है। ये 4-5 चीज़ों का जो आपका, अगर आप पूरी नॉलेज गैदर करते हैं तो आपका कैश का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। इंटरव्यू के लिए आपको आइसोलेटेड रूम में रहना है, जिससे कि अगर वो बोलते हैं कि भाई अपना कैमरा घुमा के एक बार कंफर्म कराओ कि कोई आसपास है तो नहीं आपके, तो आपको अकेले रहना है। डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास में ही रखने हैं, कि अगर वो बोलते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स देखना है तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा सकें, 10th 12th ग्रेजुएशन और आपका आधार कार्ड और साथ में आपका पासपोर्ट ऑब्वियसली। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके अपने बारे में बनते हैं, पर्सनल क्वेश्चन लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, लेट मी गो थ्रू योर प्रोफाइल, देन आप अपने बारे में बताएंगे कि ये मेरा नाम है, मैं यहाँ रहता हूँ इंडिया में, और मेरी एजुकेशन क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, अपना एजुकेशन एक्सपीरियंस को लिंक करते हुए एक तरीके से इस तरीके से देन आपको उसको कवर करना है अपने फ्यूचर में, कि मेरा ये एजुकेशन था, देन मैंने ये एक्सपीरियंस गैदर किया और इसके बाद में मैंने अब जो है मेरा फ्यूचर ये डिज़ायर है कि मैं ये एजुकेशन कंप्लीट करूँ यूके से एंड देयर आफ्टर उस यूनिवर्सिटी से क्लियर करूँ, एंड देयर आफ्टर मैं इस तरीके की प्रोफाइल फ्यूचर में अटेन करना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आपको एक लाइन में लेके जाके अपने एजुकेशन एक्सपीरियंस को मैच करते हुए लेके जाना है। लेकिन आस्क अबाउट योर फैमिली, कि आपकी फैमिली में फैमिली बैकग्राउंड बताओ, तो आप बता सकते हैं कि मेरी फैमिली में ये लोग हैं और बहुत करियर ओरिएंटेड फैमिली है, जिसमें मेरे ब्रदर ये कर रहे हैं और मेरे करियर को लेके भी काफ़ी लोग, हम लोग बहुत सीरियस हैं, तो मैं अपना फ्यूचर इस वजह से वहाँ पे बनाना चाहती हूँ। और अगर आप बाई चांस मैरिड हैं तो मैरिड को लेके ये पूछा सकता है कि आपके भाई हस्बैंड आपको एक कंपनी का, हालांकि इसका चांस बहुत कम है बिकॉज ऑब्वियस क्वेश्चन है कि अगर एक पार्टनर जा रहा है तो दूसरा पार्टनर साथ में आएगा इफ़ दे आर अलाउड ऑब्वियसली, बट ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर है कि आपके हस्बैंड आपको अकंपनी करेंगे। बट ये चीज़ आपको हाइड करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है कि आप मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं, आपको बिल्कुल ट्रूथ बताना है। आपसे आपका जॉब एक्सपीरियंस पूछा जाएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, कोई गैप अगर आपने लिया है तो आपको वो प्रॉपरली जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने क्यों वो गैप लिया था, देन आपने वो जॉब को क्यों छोड़ा, तो ये सारी चीज़ें एक इंटरव्यू की तरह आपसे पूछी जाएंगी, जिसमें बहुत घबराना नहीं है, जो रियल रीज़न है वो आप बोल सकते हो। अगर आपका स्विच है, मान लीजिए आप एजुकेशन कुछ और कर रहे थे और एक्सपीरियंस आपका कुछ और है, तो आपको कहीं ना कहीं उसको लिंक बना के, लिंक क्रिएट करके आगे करना पड़ेगा, बिकॉज आप बेयर इस तरीके से नहीं कि मेरा ये एक्सपीरियंस था और मेरा ये एजुकेशन था और मैंने ये कर लिया, तो आपको थोड़ा सा लिंक बना के अपनी एजुकेशन से लेके जाना है। जो अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, जो आपने यूनिवर्सिटी के लिए दिया था SOP, बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एक बार पढ़ लें, क्योंकि उससे रिलेटेड आपका जो प्रोफाइल है, आपका एक्सपीरियंस गैप सब कुछ उससे मैच होते हुए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी से लेके बनता है कि आप इस यूनिवर्सिटी को क्यों पिक कर रहे हो, तो उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है रैंकिंग को लेके, कि आपका जहाँ जहाँ से ऑफर लेटर आया है, अगर आपका कोई ऐसी जगह से ऑफर लेटर आया है जो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी थी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उस यूनिवर्सिटी को ना कवर करें।
तो उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी उससे थोड़ी सी नीचे आप उनको कवर करके बोल सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी से आया था, इस यूनिवर्सिटी से आया था, इस यूनिवर्सिटी से आया था, और इसकी जो रैंकिंग है वो उनमें सबसे ऊपर थी, मेरे कोर्स को लेके सबसे ऊपर थी, तो आप रैंकिंग दे सकते हो जो आप इजीली निकाल सकते हो कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड लीग टेबल से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी। सेकेंड आप कवर कर सकते हो लोकेशन को कि आप इस यूनिवर्सिटी को क्यों पिक कर रहे हो, लोकेशन की वजह से। जैसे आप कह सकते हैं कि मुझे लोकेशन काफ़ी पसंद है, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर हम इस एरिया में पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये चेल्टनहम है, चेल्टनहम में हम काफ़ी सारी कंपनीज हैं, ब्रिस्टल में काफ़ी सारी कंपनीज हैं, स्विंडन, तो इस तरीके से आप कवर करके बता सकते हो कि मेरे आसपास में काफ़ी सारी मतलब ऐसी सिटीज़ ऐसे टाउन है जहाँ पे जॉब लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थर्ड आप बोल सकते हो फैसिलिटी को लेके कि ये फैसिलिटी मेरी इस यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आई हैं। कोर्स को लेके बोल सकते हो कि जो ये कोर्स है इसमें ये मॉड्यूल कवर हैं जो मुझे लगता है मेरे फ्यूचर से, मेरे जॉब रोल से, मेरे उससे अलाइन करता है। लास्ट पॉइंट आप प्राइज एंड स्कॉलरशिप को लेके बोल सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी का ये प्राइज है और यहाँ पे इतनी स्कॉलरशिप मिल रही है। यूनिवर्सिटी को लेके आपको आपकी वेबसाइट पता होनी चाहिए, कौन सा कैंपस आपको मिलने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो यूनिवर्सिटी को लेके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं कोर्स को लेके, कोर्स आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं उसका प्रॉपर आपको नाम पता होना चाहिए, जो आप कोर्स करने जा रहे हैं उसका मॉड्यूल्स क्या क्या मॉड्यूल्स हैं। जैसे मुझे अच्छे से याद था कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से मॉड्यूल हैं, सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से मॉड्यूल हैं, थर्ड सेमेस्टर भी होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको प्रॉपर अपने मॉड्यूल्स पता होने चाहिए। अगर सेमेस्टर वाइज भी ना पता हो तो एटलीस्ट अब मॉड्यूल्स कुछ आपको याद हो। यकीन मानिए चाहे प्री कैस दे रहे हो चाहे कैस दे रहे हो, मॉड्यूल्स याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़रूरी है कि आप एक दो का थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी पता कर लें कि इसमें क्या क्या अंदर मटीरियल हो सकता है, क्या क्या पढ़ाया जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ये एजुकेशन सिस्टम नहीं है कि आप पहले एक बार एडमिशन ले लो फिर देखेंगे क्या होगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली पढ़ने जा क्या रहे हैं, आपके कोर्स की स्टार्ट डेट एंड डेट आपको पता होनी चाहिए। अगर इन केस आपके पास ऑफर लेटर आया और कैस का आप प्रिपरेशन कर रहे हो और ऑफर लेटर में नहीं मेंशन है स्टार्ट डेट एंड डेट, तो अपने आप कंसल्टेंट से पूछ सकते हो। अगर कंसल्टेंट बोलता है कि मुझे भी कंफर्म नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि भाई मेरे कंसल्टेंट ने ये डेट बोली है बट अभी अभी क्योंकि मेरे पास कैस नहीं आया, कैस में ये चीज़ मेंशन होगी तो आई कांट रियली गिव यू द एग्जैक्ट डेट। कितनी फीस है आपकी, कितनी आपको स्कॉलरशिप मिली है, आईएलटीएस का क्या स्कोर है सेक्शनल वाइज, ये सारी चीज़ें आपकी अवेयरनेस बताती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब वहाँ पढ़ने आएंगे तो क्या टीचिंग मेथड होगा, असेसमेंट मेथड क्या होता है। जैसे टीचिंग मेथड में ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और फेस टू फेस क्लासेस भी होती हैं और जो आपका प्रेजेंटेशंस भी होती हैं। असेसमेंट में आपका प्रेजेंटेशन होते हैं, असाइनमेंट होते हैं और साथ में पोर्टफोलियोज होते हैं। तो दीज आर सम टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एंड असेसमेंट मेथड। देन आपके क्वेश्चंस यूके को लेके बनते हैं कि आप यूके क्यों पिक कर रहे हो, दूसरी कोई कंट्री पिक क्यों नहीं कर रहे या फिर इंडिया क्यों नहीं पिक कर रहे। तो पहला तो अगर आप सिंपल आपसे यूके पूछा गया तो आप यूके की खूबियाँ बताओ कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, फर्स्ट तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वन ईयर में आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, जो दूसरी किसी कंट्री में टू ईयर्स की है तो शॉर्ट टर्म एजुकेशन की कंपाइल्ड होती है। तो फर्स्ट तो ये आपका एक एडवांटेज होता है। सेकेंड आपकी जो यहाँ पे एजुकेशन होती है वो प्रैक्टिकल होती है, थियोरेटिकल नहीं होती, जबकि दूसरी कंट्रीज होती हैं कनाडा वगैरह और ऑस्ट्रेलिया, इन सब में भी प्रैक्टिकल होती है। बट ये जो पॉइंट है वो इंडिया से कंपैरिजन में है। आप इंडिया से कंपैरिजन में ये भी बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे क्राउड आता है वो बहुत ही डाइवर्स है। यानी इंडिया में अभी आप क्या कह रहे थे कि अभी आप अपनी कम्युनिटी के बीच में पढ़ रहे थे तो अपने कम्फर्ट जोन में थे, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक डाइवर्सिटी को फील करते हैं, यानी कि आप थ्योरेटिकली भी लर्न कर रहे हैं, प्रैक्टिकली भी लर्न कर रहे हैं और लाइफ वाइज एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था कि आप इंडिया से बाहर निकले। ऐसा करने से आपका कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगा, कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा। और यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो TEF और REF के थ्रू जो रिसर्च आपकी होती हैं वो प्रॉपरली ग्रेडेड होती हैं। तो सारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मॉनिटर्ड होता है कि एक जो एजुकेशन है वो सही तरीके से जा रही है या फिर नहीं जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में बोलूँ तो ऑस्ट्रेलिया की जो सारी चीज़ें वो बहुत एक्सपेंसिव है, क्लोथिंग, अकोमोडेशन, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। और कनाडा और यूएसए के कंपैरिजन में यूके आई थिंक बेटर इसलिए है क्योंकि कनाडा और यूएसए बहुत बड़ा है। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आप बिना कार के नहीं सोच सकते। तो फर्स्टली सारी चीज़ें काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती हैं। तो यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी और यहाँ पे आपका ये है, यहाँ पे आपका सुपरमार्केट है, तो सारी चीज़ें बहुत आसपास में होती हैं। फर्स्ट तो एक ये एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज होता है वेदर का। यहाँ पे वेदर प्लेजेंट रहता है, कुछ टाइम के लिए ठंड रहेगी लेकिन इतनी भी नहीं कि बर्दाश्त ना हो, जो कैनेडा और यूएसए में है कुछ पार्ट्स में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है।
तो वेदर काफी फेवरेबल है। आपसे आपका पार्ट टाइम वर्किंग राइट पूछा सकता है, जो आपको पता है ऑलरेडी सब लोगों को 20 आवर्स आपको अलाउड होते हैं वीक में। और आपसे आपका समर ब्रेक प्लान पूछा सकता है कि आप अगर समर ब्रेक जो आपका होता है या फिर किसी भी तरीके का जैसे क्रिसमस ब्रेक होता है तो उसमें आपका क्या प्लान है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं इंडिया जाऊंगा घूमने के लिए या फिर अपनी फैमिली से मिलने जाऊंगा, तो आप ये बोल सकते हैं कि उस टाइम को मैं यूटिलाइज करना चाहूंगा कुछ लर्न करने के लिए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैं कोई सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ, तो आप कुछ नाम सर्च करके रखें कि अच्छा ये सर्टिफिकेट मैं इस कोर्स के बाद में ले सकता हूँ, जिससे कि दिखेगा कि हाँ कितने एक्साइटेड हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन के लिए। आपसे पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पे आके पार्ट टाइम जो टाइम आपको मिलता है कि आप उसमें वर्क करोगे या फिर क्यों करोगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉसिबल क्वेश्चन है कि पूछा जाए, बट किसी मेरी फ्रेंड से पूछा गया था तो मैं आपको फिर भी ये बता रही हूँ कि आर यू गोइंग टू वर्क एंड वाई। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि इट्स नॉट मैंडेटरी बिकॉज मैंने इनफ फंड मेंटेन करके रखा हुआ है, बट अगर मुझे कोई जॉब रोल मिलता है विच इज़ अलाइनिंग टू माई करियर, I will definitely go for it because in UK experience matters a lot. So definitely I would like to go for a job. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपकी यू के वी आई की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बहुत सारे लोगों से पूछा गया था, मुझसे भी पूछा गया था, और लकीली मैंने 5 मिनट पहले ही पढ़ा था इंटरव्यू से तो मुझे पता था कि क्या बोलना है। तो यू के वी आई रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फर्स्ट है कि आप अपना पासपोर्ट और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट अपने साथ में होल्ड करेंगे, ये फर्स्ट है। सेकेंड, आप अपनी एजुकेशन से और यूनिवर्सिटी से कंसिस्टेंट रहेंगे, अपनी एजुकेशन को मॉनिटर करेंगे, ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड है, आप अपनी जो यूके की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो अप टू डेट रखेंगे अपने NI नंबर के साथ में और अपने बैंक अकाउंट में अपनी यूनिवर्सिटी के साथ में। तो ये आपकी थर्ड आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप वर्किंग रेस्ट्रिक्शन जो है उनको 20 आवर्स से ऊपर मतलब एक्सीड नहीं होने देंगे बिकॉज ये ऑब्वियसली इलीगल हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कोई भी अगर स्टेट बेनिफिट आपको मिलता है तो आप उसका कोई यूज़ नहीं उठाएंगे। और लास्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जैसे ही आपका वीज़ा एक्सपायर होता है और जब तक एक्सटेंड नहीं हुआ है आप उस टाइम पे यूके में स्टे नहीं करेंगे क्योंकि वो इलीगल स्टे में कंसिडर होता है। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट है कि आपने कितने फंड अपने पास में मेंटेन किए हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि इतना आपका लिविंग कॉस्ट है और इतनी यूनिवर्सिटी की फीस है तो इतना आपने मेंटेन करके रखा हुआ है। आपसे पूछ सकते हैं कि कितना फंड मेंटेन करना था, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट। सो यू कैन से यस इट इज सम ऑफ योर लिविंग कॉस्ट एंड योर यूनिवर्सिटी फीस, व्हाट इज लेफ्ट जो भी रिमेनिंग है उन दोनों का जो सम है वो आपको मेंटेन करके रखना होता है, जिसमें जो लिविंग कॉस्ट है वो आउटसाइड लंदन होती है 1023 GBP पर मंथ और 9207 GBP फॉर 9 मंथ्स। तो आपको 9 मंथ्स का फंड रखना होता है, ये आउटसाइड लंदन है। और इनसाइड लंदन में 1334 GBP पर मंथ एंड 12006 GBP फॉर 9 मंथ्स। तो ये आपको फंड आपको मेंटेन करना होता है। लिविंग कॉस्ट आपको याद होनी चाहिए और पर आर वर्किंग रेट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। जो अभी पर आर वर्किंग रेट चल रहा है वो 10.42 GBP पर आर का रेट है। आपको अपने एक्सपेंसेस डिवाइड करके दिखाने हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं कि अकोमोडेशन मेरा 500 टू 600 रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मेरा बिल्कुल मिनिमल रहेगा या फिर जीरो रहेगा क्योंकि मैं पहले जाते ही अपनी जो बस पास होता है पर ईयर का वो बनवा लूँगा। और साथ में जो मेरा घर होगा, जो मेरी अकोमोडेशन होगी वो मेरी यूनिवर्सिटी के काफ़ी क्लोज होगी, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ आप सीरियस हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जाके दूसरी जगह पर जाके घर लेके और वहाँ पर स्टे कर रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी बहुत दूर है। देन आपके मिसलेनियस खर्चे यू कैन से 100 pounds आपके होंगे, आपका किसी बिल वगैरह जो आपके होते हैं वो आपके 100 pounds के अंदर अंदर में, एंड ग्रॉसरी जो आपकी होती हैं दैट इज़ फॉर 200 pounds। तो इस तरीके से आपको अपने खर्चे को डिवाइड करके दिखाना है। लास्ट में आपसे ये पूछा सकता है कि आर यू इन टच विद एनी कंसल्टेंट, सो यू कैन से येस आई एम इन टच विद दिस कंसल्टेंट, अगर आप टच में हैं तो, और अगर नहीं है तो आप दैट इज़ ऑब्वियस। सो अगर आप टच में हैं तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी पिक करने में जब कोई कंसल्टेंट है उन्होंने कोई हेल्प की है, तो यू कैन से येस दिस शॉर्ट लिस्टेड बट डिसीजन ऑफ टेकिंग दिस यूनिवर्सिटी वॉज माइन, ये मेरा डिसीजन था इस यूनिवर्सिटी को चूज करने का। तो ये क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश करी है। आई गेस इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं और हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग प्रोसीजर होता है, किसी में प्री कैश होता है, किसी में कैश होता है, किसी में कैश से पहले फीस पे करते हैं, किसी में कैश के बाद में फीस पे करते हैं। तो यू विल हैव टू जस्ट गो अलॉन्ग विद योर कंसल्टेंट। बहुत ज़रूरी है कि आप कंसल्टेंट राइट पिक करें, जैसे कि SIU की और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी रिकमेंड कर चुकी हूँ, मेरा उनसे कुछ लाइक आई डोंट हैव एनी पेमेंट फ्रॉम देम, बट
वो बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, फ्री होता है, तो ज़रूरी है कि आप एक फ्री कंसल्टेंट लेके अपने प्रोसीजर को ईजी कराएं. सो दिस वॉज माई वीडियो, सो आई होप इट हेल्प, एंड इफ यू नीड एनी अदर असिस्टेंस जस्ट कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स और डी एम मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो.